हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मदर्स किचन आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता वो भी हेल्दी पास्ता सॉस के साथ जिसमें हम बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं करेंगे इट्स वेरी हेल्दी तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले हमें पास्ता बॉईल करना है तो मैंने यहाँ पोक में पानी लिया है और पानी इतना लें कि पास्ता अच्छे से डीप हो जाए मैंने यहाँ हाफ़ टेबल स्पून ऑयल डाला है उसी के साथ मैं यहाँ वन टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और अब हम इसे मिक्स कर देंगे और हमारा पानी लुक वाम है तो मैं यहाँ पे पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं इसे कवर करने से पहले हम एक बार अच्छे से चला देंगे ताकि स्टिक ना हो और हाँ इसे दस से पंद्रह मिनट के लिए बॉईल करेंगे दस मिनट आप देख सकते हैं कि हमारा पास्ता बॉयल हो गया है और हम इसे चेक करते हैं ये, ये आसानी से रहा है ब्रेक हो रहा है इट्स कुक ना अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे इट्स वेरी हॉट सो स्ट्रेंट प्लीज़ केयरफुली अब हम इसे फ्राई करते हैं मैं यहाँ पे बटर ले रही हूँ आप चाहे तो ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं हम मीडियम टू तो लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे मैंने यहाँ क्यूमिन सीड्स डाला है वन फोर टी स्पून अब हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर और इसी के साथ मैंने यहाँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ और ग्रीन ऑनियन और, और कैप्सिकम आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है मैंने यहाँ कैरेट भी लिया है और उसी के साथ मैं यहाँ ग्रीन पी और कॉर्न डाल रही हूँ ये फ्रोज़न है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और हम इसे एक मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हाफ़ कुक हो जाए एक मिनट हो चुका है और हमारा हम देखते हैं कि हमारी वेजिटेबल्स कुक हो चुकी है कवर करने से इसमें सारे मसालों का फ़्लेवर प्रॉपर आता है अब मैं यहाँ पे पास्ता ऐड कर रही हूँ मैंने यहाँ पे सूजी पास्ता लिया है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है प्लीज़ आप भी सूजी पास्ता ही लें इट्स मोर देन हेल्दी टू ऑल पर्पज़ फ्लोर पाप पास्ता मैं यहाँ पर चीज़ ऐड कर रही हूँ आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं मैंने यहाँ पर और औरिजनल चीज़ ली है औरिजिनल चीज़ मावे के सॉरी मक्खन के जैसा टेस्ट आता है और इसे मेल्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ मैं कैशो और कोकोनट क्रीम वाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ मैदे का कोई भी क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ अब हम इसे पास्ता में ऐड कर देंगे तो यह है मेरा सीक्रेट हेल्दी क्रीम इसकी मैं लिंक नीचे शेयर कर दूँगी आप ये किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी के लिए भी मैं यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा क्रीम चीज़ मेल्ट हो गया है और हम इसमें औरगोनो और बैसल्स डालेंगे अभी इसे मिक्स करके हम एक से दो मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसे हम लो फ्लेम कर देंगे एक से दो मिनट बाद देख सकते हैं कि हमारा पास्ता अच्छे से कुक हो गया है इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड क्रीमी टर्न ऑफ द गेस प्लीज़ तो हमारा हेल्दी वाइट सॉस पास्ता रेडी है और प्लीज़ ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ इज़ इट थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल